हल्द्वानी में अपर जिलाधिकारी फीचाराम चौहान की अध्यक्षता में बाल श्रम जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रम अधिकारी पूनम कांडपाल ने बताया कि बाल और किशोर श्रम के अंतर्गत 229 निरीक्षण किए गए, जिसमें चिन्हित एक बाल श्रमिक, 9 किशोर श्रमिक पाए गए हैं। मामले में 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अपर जिलाधिकारी ने श्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जागरूकता के तहत बाल श्रम रोकथाम से संबंधित जानकारी आम जनमानस को दी जाए। पैम्पलेट और स्टिकर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें हर तीसरे महीने एक बैठक होती है, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज बैठक की गई। इसमें बाल श्रम अधिकारी थे और CWC के मेंबर्स थे, जो NGOs थे वो लोग आए थे, शिक्षा विभाग से लोग आए थे। हमारे नैनीताल जनपद में भी बाल श्रम के पहले केस पाए गए हैं, 3 FIR भी पूर्व में हो चुके हैं, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उसी की समीक्षा के संबंध में और आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी है, उसको समीक्षा करने के लिए आज बैठक की गई है और हम इसको समय समय पर बैठक करते रहेंगे। अगर ऐसे भी कहीं भी सूचना मिलती है, चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, कि किसी क्षेत्र में, किसी संगठन में, किसी इंडस्ट्री में बाल श्रम किया जा रहा है या, तो हम उसमें एक्शन लेंगे और जो भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी या श्रम प्रवर्तन एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई